एलिफेंट क्लासिक 350 है, तो इसके अंदर जो है ब्रेक का ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि डिस प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे सिंपली ये जब हम पंजा को दबाते हैं इस तरीके से, तो ये टाइट नहीं लगता है, इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो फॉल्स दबता है। तो इस रीजन में हमें क्या करना चाहिए वो हम आपको बताते हैं। पहिया जब हम इसको पीछे से घुमाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जाम घूमता है, जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये काफ़ी टाइट घूमता है, यानी कि ये जो है फ्री नहीं घूमती पहिया, ठीक है। जब इसको घुमाएंगे तो काफ़ी टाइट लगता है और ब्रेक पंजा जो है बिल्कुल फॉल से खा रही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट सबसे पहले जो है क्या करेंगे, इसका ये जो होता है पंप, इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने प्रॉपर तरीके से इसे खोल दिया है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से बाहर ले लेना है, ठीक है। ये बाहर ले लेना है, ये 2 10 नंबर का बोल्ट होता है, इसको खोलना है। और जो है एक यहाँ पर ये जो है हमारा ये चीज़ हमारा जोड़ लेना है, ठीक है। सिंपली ये हमने बाहर कर लिया है, अब हम आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है, क्योंकि इसी के अंदर प्रॉब्लम है जो कि इस तरीके से ब्रेक फ्री लगता है। तो चलिए हम इसको रिपेयर करते हैं, ठीक है। इसको रिपेयर करने का सही तरीके आपको हम बताते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो है हम इसका लॉक खोल देंगे, ये हमारा जो होता है लॉक होता है यहाँ पर, इस लॉक को खोल देना है। जिस तरीके से इस ब्रेक में लॉक रहता है सेम उसी तरीके से यहाँ पर देखिए लॉक है। तो चलिए हम इस लॉक को पहले जो है हम लॉक को इस तरीके से बाहर कर देंगे पिन पेचकस, ठीक है। ये लॉक होती है ये वाला, इसको हम बाहर कर दिए। और उसके बाद ये चीज़ जो होता है ना हमारा पंप, जब हम इस तरीके से दबाते हैं इस तरीके से, तो ये दबा हुआ ही रह जाता है। ये देखिए ये चीज़ जो है ना ऊपर नहीं फेंक पाती है, इसको जैसे हम दबाते हैं तो ये यहाँ तक आना चाहिए ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ बाहर नहीं आती, इसीलिए हमारा डिश जो है दबा हुआ ही रह जाता है। अब इसको हम इस तरीके से बाहर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा उल्टा पिलास है इससे बाहर कर लेना है, उसके बाद इसके अंदर से ये चीज़ हमारा निकलेगा, एक स्प्रिंग होगी, एक हमारा ये रबड़ है मेजर किट का, और उसके बाद एक यहाँ पर वार्सल होती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये सारे पार्ट्स जो है चारों का चारों निकल गया। अब इसको क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको हम क्लीन कर लेंगे, क्लीन करने के बाद, और पेट्रोल से इसको क्लीन नहीं करना है, सारा चीज़ क्लीन करने के बाद अब इसको फिर हम फिटिंग करके आपको दिखाते हैं, आपको प्रॉब्लम बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई तरह जो है बिल्कुल क्लीन कर लिया, अब कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो अब हम सबसे पहले किस तरीके से एडजस्ट करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये रबड़ को जो है इस तरीके से डाल देना है, ठीक है। ये हमारा बाहर की ओर जाएगा, जिधर हमारा ये है पतला, ये बाहर की साइड जाएगा। इसके अंदर हम बैठा लेते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से डालेंगे, इस तरीके से आराम से बिल्कुल डालना है आपको, क्योंकि रबड़ सही से चले जाए। देखिए इस तरीके से डालने के बाद जो है ये मस्त चलने लगी एकदम, बिल्कुल यहाँ तक जो है इस तरीके से फेंकना चाहिए, ये बिल्कुल सही फेंकने लगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका लॉक लगा देते हैं, ये चीज़ जो है ना बराबर फेंकना चाहिए, अभी जितना फेंक रही है इस तरीके से जब हम दबाएंगे, देखिए एक ही बार में फेंक देती है। पंप जो है खिल नहीं रही थी इसीलिए ब्रेक फंस रहा था, ये देखिए बिल्कुल यहाँ तक लॉक तक ये फेंकने लगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको फटाफट जो है बाइक में लगाते हैं, और इसको जो है सिंपली ये वाला जो है हमारा आगे की ओर जाएगा, और ये वाला पीछे की ओर, और ये वाला उस साइड। तो चलिए हम इसको टाइट कर देते हैं। तो टाइट करते समय एक यहाँ पर ये वार्सल होती है, इस वार्सल को ध्यान रखना, और पहले इसी को टाइट करना, इस तरीके से घुमा घुमा कर, इस तरीके से आपको फुल टाइट कर देना है इसको, 14-17 चाबी लगती है इसके अंदर। अब सिंपली जो है इसमें अब हम क्या करेंगे, 10 नंबर का दोनों बोल्ट को टाइट,
तो सिंपली जो है इसको जो है इस तरीके से लूज रख के या खोल के यहाँ पर इस तरीके से फंसा देना है, ठीक है। अब इसको हम फुल टाइट कर देते हैं। ये सिंपली अब इस पाइप को इस तरीके से डाल देते हैं। मैजिक मैजिक क्या था, मैजिक लगो खाली इंजन पेट्रोल। चलिए 20 माइलेज 20 क्विंटल लोड ठीक। इस तरीके से अब थोड़ा सा चला लेना है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ऑयल सारा निकल चुका था। इस तरीके से चलाना है आपको, कंप्रेसर आ जाएगा।